हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना मेट्रो में न्यू भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, पटना मेट्रो में न्यू भर्ती आई है जिसका सुनहरा मौका सभी के लिए है। दोस्तों, पटना मेट्रो में जल्द ही काम शुरू होने वाला है और काम शुरू होने से पहले बहुत से स्टाफों की भर्ती होने वाली है जिसकी योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास होनी है और जिसकी वर्क बिहार पटना में ही होगी। तो दोस्तों, न्यूज़ में भी प्रकाशित कर दिया गया है कि बहुत से पदों पर पटना मेट्रो में भर्ती चालू होने वाली है। आप यह देख सकते हैं दोस्तों, पटना मेट्रो में मैन पावर की बहाली के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, सबसे पहले पटना मेट्रो में मैन पावर जितनी भी बहाली होगी उसके लिए एजेंसी की चयन की जा रही है, जिस एजेंसी के जरिए ही सभी मैन पावर की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है, पटना में बेल्ट्रोन है, उर्मिला है, ये जो एजेंसी है ये मैन पावर की सप्लाई करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अधिकांश हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर हो जाने के बाद अब पटना मेट्रो ने मैन पावर की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, जिसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, उसके बाद में बहुत से पदों पर बहाली होने वाली है। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ड्राफ्ट मैन में एक पद है, आईटी एग्जीक्यूटिव में दो पद हैं, स्टेनोग्राफर के 5 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद हैं और सपोर्टिंग स्टाफ के 10 पद हैं, जिसके वेतन है दोस्तों, ड्राफ्ट मैन के 20,000 रुपये वेतन है, आईटी एग्जीक्यूटिव के 30,000 रुपये पर मंथ वेतन है और स्टेनोग्राफ के 25,000 रुपये पर मंथ और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 18,000 रुपये पर मंथ और सपोर्टिंग स्टाफ के 10,000 रुपये प्रति मंथ है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी लोगों की बहाली होगी उनकी सैलरी भी दी गई है कि उनकी सैलरी कितनी होगी और किस पदों पर कितने पद खाली हैं और कितनी पदों पर ज्वाइनिंग होगी वो भी यहाँ दी गई है। उसके लिए सबसे पहले पटना मेट्रो एजेंसी की चयन करेगी, यानी एजेंसी वो जो मैन पावर की सप्लाई करती है। इसलिए दोस्तों, यह लेटर और यह न्यूज़ में प्रकाशित कर दी गई है कि जल्द ही पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में एजेंसी के माध्यम से मैन पावर की बहाली की प्रक्रिया जो कि शुरू हो जाएगी। इसके लिए एजेंसी की तैयारी चयन के लिए हो रही है और जैसे ही चयन हो जाती है वैसे ही इन सारी पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उस एजेंसी के माध्यम से ही इन सारी पदों पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर एजेंसी बेल्ट्रोन या उर्मिला को मिलती है तो बेल्ट्रोन और उर्मिला इस सारे पदों पर बहाली निकालेगी और इनकी ज्वाइनिंग भी कराएगी जो कि पटना मेट्रो की होगी और पटना बिहार में ही उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और वो पटना बिहार में ही काम करने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी मालूम हो कि पटना मेट्रो में न्यू वैकेंसी आएगी, ताकि वो भी तैयारी कर सके यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए वीडियो में। मेरे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको ऐसी भर्ती के बारे में समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।